अब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। विश्व गुरु तब बनोगे तब आप कम से कम वो जो आवश्यकता है आम परिवार की, गरीबों की, मिडिल क्लास की, उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले, लाइफ की सोशल सिक्योरिटी मिले, तब विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाली बातें हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी ये लागू करें। आपने कहा केंद्र ने पूरे डेटा अवेलेबल नहीं कराया है, वो तो मैं रोज बोल रहा हूँ मीटिंगों के अंदर। उनको ढंग से अगर डेटा उपलब्ध कराते तो हम ढंग से सबको बांट पाते हैं, डीबीटी कर पाते हैं। अब हम दुकानदारों से ले रहे हैं, कंपनियों से ले रहे हैं, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। जो रजिस्ट्रिंग करवाएगा उन सबको उसका लाभ मिल जाएगा। बस ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है राजस्थान में घुसने के लिए। अच्छी बात है, पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है, आरपीएसी के मेंबर कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपना बॉसेस को तो भाई क्यों राजस्थान में भेज रहे हो। वहाँ की एंटीग्रेशन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं। देश के अंदर जवाब, देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है।